समाज का दर्द गाते हो, हुकूमत के खिलाफ बिना डरे बोलते हो, तुम्हारी बहादुरी बहुत लाजवाब है। सियासत में आओ, जमीन पर उतरो, सिर्फ माइक पर बात करने से काम नहीं चलेगा। मैं चौंका, मुझे लगा कि मेरे जैसा शायर सियासत में कैसे आ सकता है। शायरी सियासत दोनों नदी के दो किनारों की तरह। अगली मुलाकात फिर हुई उनसे तो उन्होंने कहा चुनाव लड़ो। मैंने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने मुझसे कहा लड़ोगे? मैंने कहा बिल्कुल लड़ूंगा। उन्होंने कहां से लड़ोगे? मैंने कहा बेख्याली में। ऊपर वाला जो है ईश्वर खुदा अल्लाह भगवान, वो कभी कभी आपसे वो कुछ कहलवाता है जो उसने पहले से सोच रखा होगा। उन्होंने कहां से लड़ोगे? मैंने कहा मुरादाबाद से लड़ूंगा। तीस सेकंड सोचा होगा, उसके बाद कहा ठीक है डन, जाओ तैयारी करो। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं लड़ते, जाएंगे कैंपेन करेंगे, पूरे मुल्क में घूमेंगे। लेकिन आप यकीन करो कि अपनी नदियों के जरिए आवाम का दर्द गाते गाते, माओ के आंसू पोंछते पोंछते, लोगों के जख्मों पर मरहम लगाते लगाते, मैं खुद सोचने पर मजबूर था कि ये जो आंसू आ रहे हैं जहां से, इन आंसुओं की जो जड़ है, इन आंसुओं की जो वजह है, उसे माइक पर शायरी पढ़ के नहीं खत्म किया जा सकता। उसके लिए सियासत में उतरना पड़ेगा, उसके लिए पार्लियामेंट पहुंचना पड़ेगा। जब ख्याल आया और उधर से हरी झंडी मिल गई तो मैंने सोचा कि मुरादाबाद जाऊंगा, मुरादाबाद मोहब्बतों से अपनाएगा। उस वक्त जो नाम सबसे पहले जहन में आया वो मरहूम हाफिज सदीक साहब का आया कि अगर उनके दयाल ने, उनके आंगन की मिट्टी ने मुझे बेटा मान लिया तो मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। आज आंगन में खड़ा हूं। हमारे जिले के जो अध्यक्ष हैं एपीसीन साहब, मेरे बड़े भाई महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा साहब, बाकी पूरी जो टीम है, पूरी कांग्रेस की जो टीम है, मेरी छोटी छोटी मुलाकातें हुई हैं, एक दो मुलाकात हुई है, लेकिन मैं वादा कर रहा हूं संगठन के तमाम पदाधिकारियों से कि आपकी मेरी मुलाकात भले ही चंद लम्हों की हुई हो, लेकिन हम जिनके मानने वाले हैं उन्होंने अखलाक से, अपने एक व्यवहार से, अपने किरदार से दुनिया जीती है। मैं आपका दिल जीत लूंगा, मैं ये जानता हूं। मैं आपके नक्शे कदम पे चलने वाला हूं, मैं आपका दिल जीत के बताऊंगा आपको। और आज इस जमीन पर खड़ा होकर के पहली जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि मैं यहां नेता बन के नहीं आया हूं, और ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि कभी नेता बनूं भी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ मुरादाबाद का बेटा बन के रहना चाहता हूं। सरकार से इतनी गुजारिश करता हूं कि जो खलिश दिल में है, जो जज्बा दिल में है, जो आग मेरे सीने में जल रही है मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ने वाली, अगर चाहते हो कि यह मजबूत हो सके, चाहते हो कि यह आवाज खामोश ना कर दी जाए, चाहते हो कि यह आवाज सलाखों के पीछे कैद ना हो जाए, तो इस नन्ही सी आवाज को, गली गली पूछे पूछे गूंजने वाली आवाज को पार्लियामेंट पहुंचा दो। हो सकता है इससे पहले के तजुर्बे आपके अच्छे ना रहे हो, आपका दिल कहीं मलाल में हो कि लोग आए जीते और चले गए, ये शिकायत आपकी जायज भी हो सकती है। लेकिन मेरे भाई, मैं आपसे एक वादा करता हूं, और उस वादे की सच्चाई आप मेरी आंखों में पढ़ सकते हो, मेरे लफ्जों में पढ़ सकते हो। कश्तियां हमने जला दी हैं भरोसे पे तेरे, अब यहां से नहीं हम लौट के जाने वाले। हम यहां से जाने के लिए नहीं आए हैं। आप जो भी फैसला करेंगे वो सर माथे रखूंगा। मैं जानता हूं आपकी मोहब्बतों से मेरा दामन भर जाएगा, क्योंकि मुरादाबाद तो मोहब्बतों का शहर है, यहां मुरादें पूरी होती हैं। यह वो शहर है जो पलकों पे बिठा लेता है। मेरे भाई, कुछ लोग आएंगे आपको समझाएंगे कि वो तो दूर से आया है, लेकिन बस उनसे इतना कह देना कि अगर नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की इटावा से जाके आजमगढ़ चुनाव लड़ सकते हैं, तो किसी गरीब का बेटा इमरान प्रतापगढ़ से आके मुरादाबाद चुनाव लड़ सकते हैं। ला
जानता हूं, मैं जानता हूं क्योंकि मेरे पास वो विरासत नहीं है, लेकिन फिर क्या किसी गरीब को पार्लियामेंट के ऐवानों में पहुंचने का हक नहीं है? बिल्कुल है। मैंने इतनी उम्र में पिछले 8-9-10 साल में कभी ये परवाह नहीं की कि जान रहेगी या जाएगी, आवाज आजाद रहेगी या कैद कर दी जाएगी, मार दिया जाऊंगा या जिंदा रहूंगा, कभी इस बात की परवाह नहीं की। जहां जहां जुल्म हुआ वहां वहां आपका ये बेटा खड़ा हुआ नजर आया। मेरे ये कांधे गवाह है, मेरा ये दामन गवाह है। इनमें नजीब की मां के आंसू आज भी जज्ब हैं, इनमें रोहित वेमुला के मां के आंसू आज भी जज्ब हैं, इनमें अभी पिछले दिनों पुलवामा में शहीद हुए अवधेश कुमार की मां के आंसू आज भी जज्ब हैं, इनमें 85 साल की पहलू खान की दोनों आंख की बूढ़ी नाबीना मां के आंसू आज भी जज्ब हैं। इमरान प्रताप कहीं मैं उन तमाम आंसुओं की बुनियाद पर आपसे कहता हूं मुरादाबाद वालों कि आपने एक बार यकीन कर लिया, आपने अपना लिया, तो कभी लौट के नहीं जाऊंगा। हिजरत करके आया हूं, हिजरत करके आया हूं, हमारी बुनियाद में हिजरत है। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे आप दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। एक बार अपनाइए, एक बार नेता नहीं बल्कि बेटा समझ के। इससे पहले आपने सियासी लोग देखे, बुजुर्ग देखे, ऐसे लोग आए जो आपसे अपने अंदाज में मिलते रहे, लेकिन आप जब भी मुझे मिलेंगे मैं वादा करता हूं कि मैं आगे बढ़ के आपको गले लगाऊंगा। इमरान प्रताप जिंदाबाद। सीने से लगाऊंगा। इससे पहले सांसद हुए उन्होंने आपको प्यार भी दिया, उन्होंने आपके काम भी करवाया, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, काम हुआ है, बहुत काम हुआ है, लेकिन एक चीज जो मैं आपको दूंगा वो सबसे अनूठी और सबसे निराली होगी, वो ये होगी कि मैं आपको अपने पन का एहसास दूंगा। मैं आपको रात के 12 बजे आपकी चौखट पे खड़े होने का भरम दूंगा, ये वादा कर रहा हूं। ये परवाह नहीं करूंगा कि जिंदगी रहेगी या मर जाएगी, ये परवाह बिल्कुल नहीं करूंगा। मुरादाबाद वालों, पिछले 4-5 दिन से बहुत कश्मकश में था, जब टिकट हुआ मैं खुद इस फैसले से बहुत जूझ रहा था कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, मेरे जैसे इंसान को सियासत में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मैं इस फैसले से खुद लड़ रहा था, लेकिन मुझे जिगर मुरादाबादी साहब का एक शेर याद आया करता था हर शाम कि दूल्हे शबे फिराक से घबरा रहा है जिगर, ऐसी भी कोई शब्द है कि जिसकी सहर ना हो। एक बार अपना लीजिए, यही कहो के रह जाऊंगा, यही बस जाऊंगा, यही रह जाऊंगा, कभी वापस नहीं जाऊंगा। इमरान प्रताप जिंदाबाद। वादा है आपसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जो जज्बा मुझे, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जैसे शायर को सियासत में आने की क्या जरूरत है, आपके पीछे भीड़ है, आपको चाहने वाले लोग हैं, मोहब्बतें हैं, दीवानापन है, आप जैसे लोग सियासत में क्यों आ रहे हैं? मैं आज आपको बताता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी के दिल में इस देश के गरीबों के लिए और नफरत वाली ताकतों के लिए जो क्लियर स्टैंड है उनका, वो मुझे मजबूर करता है कि मैं उनके साथ जुड़ रहा हूं। राहुल गांधी जनता जी से मिला, आप यकीन करें आप मुरादाबाद जितवा के भेजे, उन्होंने मुझसे कहा मेरी ससुराल में जा रहे हो, जीत के आना, शर्मिंदा मत करना। मैंने कहा दीदी वादा करता हूं कि आप भेजिए मुरादाबाद वालों से, उनका दिल भी जीत के आऊंगा और चुनाव भी जीत के आऊंगा। वादा करता हूं मुरादाबाद वालों, आपसे मुसलसल गुफ्तगु करनी है, आपके बीच मुसलसल रहना है। जो लोग ये कहेंगे कि वो बाहर का है यहाँ का है, इंशाल्लाह उन्हें 4-6-10-15 दिन के अंदर बता दूंगा कि नहीं किस मोहल्ले में मेरा घर है, उन्हें यह भी जवाब दे दूंगा, उन्हें यह भी बता दूंगा कि इस इलाके की गलियां गलियां चप्पे चप्पे अब मेरे हैं और मैं इसका हूं। मैं प्रतापगढ़ में पैदा हुआ हूं, एक ऐसी बात कहता हूं जो बात शायद ऐसी है कि जिसे कहने से पहले कई बार मेरा दिल तक कांपा है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं आप जिस अजीम शायर के शहर के लोग हैं जिनकी वजह से मुरादाबाद जाना जाता है,
वो जिगर मुरादाबादी साहब पैदा हुए मुरादाबाद में, लेकिन दफन हुए हैं बलरामपुर में। आज यहां खड़ा होकर मैं ये बात कहता हूं कि पैदा होना इंसान की ख्वाहिश में नहीं होता, चॉइस में नहीं होता, खुदा पता नहीं कहां पैदा करेगा। मैं पैदा प्रतापगढ़ में हुआ हूं, जिगर साहब पैदा मुरादाबाद में, मेरे दफन बलरामपुर में है, लेकिन अब अपनी ख्वाहिश आपके सामने बताता हूं कि अगर मुरादाबाद में अपना लिया तो पैदा भले प्रतापगढ़ में हुआ हूं, लेकिन दफन होने की ख्वाहिश मुरादाबाद में रखता हूं। करता हूं, सियासत जंग है इस दौर में जमहूरियत वालों, मुरादाबाद से इस जंग का आगाज करता हूं, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर। बहुत जज्बाती होकर यह बात कह रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हैं, मेरी आंखों की सच्चाई को पढ़ना, मुझे सियासी बातें नहीं आती हैं। अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, अपनी शोहरत दांव पर लगाकर, अपना कैरियर दांव पर लगाकर के सिर्फ इसलिए कूद पड़ा हूं कि मैं तुम्हारे लिए लड़ना चाहता हूं, वो लड़ाई जो लोग लड़ नहीं पाए, बेईमानी कर गए आपके साथ, वो लड़ाई लड़ना चाहता हूं। इस गली गली कूचे कूचे गूंजने वाली आवाज को पार्लियामेंट पहुंचा दीजिए, पहुंचा दीजिए पार्लियामेंट। आपने कबूल कर लिया तो मैंने कहा ना, नेता बन के नहीं, बेटा बन के रहूंगा। इस इलाके के जितने बुजुर्ग हैं, मुरादाबाद के जितने बुजुर्ग हैं, वो मेरे लिए अंदर मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी की बुनियाद न रख दूं तो आप मेरा कॉलर पकड़ के कह रहे
देना कि मैंने तुम्हारी बात पे यकीन किया था और तुम बात पे खड़े नहीं उतरे। सरकार नहीं देगी तो अपना दामन फैलाऊंगा पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया से मांगूंगा कि मुझे बनाना बात के लिए यूनिवर्सिटी बनानी है। भोला सा हूं, सच्चा सा हूं, कम उम्र का हूं, आप जैसा हूं, आप जैसा दिखता हूं, एक बार यकीन करिए, एक बार अपना बना लीजिए। यहाँ यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, आप बाहर से परेशान रहते हैं, कोशिश करूंगा कि राम गंगा का तटबंध बन सके। यहाँ पीतल उद्योग के लिए जो बर्बादी का माहौल बना के रखा है हुकूमतों ने, कोशिश करूंगा कि उन जख्मों में मरहम लगा सकूं। एक बार यकीन करिए, काम करने आया हूँ, खिदमत करने आया हूँ, एक बार यकीन करके देखिए, आपका बनके रह जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है।